गाइस यार आज मैं एक इम्पोर्टेंट काम से अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि यार गाइस गांव में जो हमारा घर है ना, वहाँ पे यार भाई साहब पता नहीं बहुत सारी चोरियां होने लग गई है। और गाइस यार गांव में हमारा एक छोटा सा घर भी है, वहाँ पर तो यार अभी कोई नहीं रहता। मैं तो यार अभी लॉस एंटोस के अंदर शिफ्ट हो गया हूँ। तो यार गाइस कल रात को यार जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते, उन्होंने यार मुझे कॉल करके बताया घर के आसपास भाई साहब कल रात को उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मतलब यार उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब हमारे घर में जो भी सामान है वो सब यार चोरी हो चुका है। इसलिए गाइस यार उन्होंने मुझे सुबह सुबह जल्दी कॉल करके बुला लिया। तो यार गाइस इसलिए मैं निकल रहा हूँ अपने गाँव के लिए। वैसे भाई मैंने अभी सिंचन चौक को बताया नहीं कि भाई साहब मैं गांव जा रहा हूँ, नहीं तो यार ये लोग चिंता करते बैठेंगे मेरे बारे में कहाँ पर है वैसे ये लोग। अरे ये देखो ये रहे। अरे भाई सिंचन चौक क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे यार फैंकी भी है मुझे मारा यार। क्या हो गया सिंचन, किसने मारा तुझे? अरे यार मेरे सारे दोस्तों ने। अबे क्या भाई सिंचन, तू रोज पीट के आता अपने दोस्तों से? तो यार क्या करूं यार, मैं सबसे छोटा हूं तो यार वो लोग मुझे रोज ही पीट देते। भाई सिंचन मैंने तुझे हजार बार बोला है कि यार भाई साहब अपने उम्र के दोस्त बना लिया कर, फिर भी भाई तू सुनता नहीं। तुझे यार वो डीजे आलोक और बड़े बड़े लोगों में रहना होता है। अरे यार तो क्या करूं यार, भाई साहब वही लोग मुझे टॉफी ला कर देते और यार बाद में मुझे को पीटते। अबे भाई सिंचन तू कब सुधरेगा? अबे भाई कल वैसे तू कहाँ जा रहा है? अबे भाई चौप में अपने गांव जा रहा हूँ। क्यों यार क्यों जा रहे हो अपने गांव? अरे भाई हमारे घर के आसपास भाई बहुत सारे लोगों को देखा गया कल रात को। कौन से घर के आसपास यार बताओ तो सही। अरे तुझे पता ही होगा कि भाई साहब हमारा जो पुराना घर है जहाँ पर हम लोग रहते थे गाँव में। अरे हाँ यार फैंकी भैया, जहाँ पर आप आपके मम्मी पापा के साथ रहते थे? अरे हाँ भाई सिंचन बिल्कुल वही पर जा रहा हूँ भाई साहब, और जाकर देखूंगा कि भाई साहब हमारे घर के आसपास भाई कौन था यार कल रात को। तो चलो यार मैं भी आता। क्यों भाई तू क्यों आना चाहता है यार? वैसे भी मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, तुम तो यार अपने साथ रख लो मुझे। अबे भाई सिंचन मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू आकर क्या करेगा वहाँ पे? अरे चलो ना यार भाई साहब, बड़े दिनों के मैं भी गांव नहीं गया था। अबे हाँ भाई कलवे ले जा यार इसको अपने गांव। क्यों भाई चौप तू भी मुझे जबरदस्ती कर रहा है? अबे हाँ भाई कलवे देख ना यार इसकी हालत, भाई साहब कितनी बुरी तरीके से रो रहा है वो, और तुझे भाई उसके ऊपर तरस भी नहीं आ रही। अबे तरस तो आ रही है पर भाई वहाँ पर अगर कोई हुआ तो, और भाई मुझे फाइट करनी पड़ गई तो, इसको कुछ लग भी गया तो भाई मैं नहीं लेके जा रहा इसको। अरे यार ले चलो ना यार, क्यों डरते हो इतना ज्यादा तुम? वैसे भी यार तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक बच्चा हूँ। अरे अच्छा ठीक है भाई आजा आजा चल मेरे साथ। यार ये सिंचन का बच्चा भाई कभी मेरा पीछा छोड़ने ही नहीं वाला यार, एक तो काम करने जा रहा था अपना वो भी करने नहीं देता यार। छोड़ो यार कोई बात नहीं, आजा भाई सिंचन फटाफट से। अच्छा हाँ चलो यार आ गया मैं, फटाफट से बैठने तो मुझे। चलो यार बैठ गया। तो चलो गाइस निकलते अभी फटाफट से अपने गाँव, और जाकर देखना पड़ेगा यार वो कौन लोग थे जो हमारे घर के आसपास घूम रहे थे कल रात को। पता नहीं यार भाई, मुझे तो लगता है भाई जो हमारी सारी पुरानी चीज है उन्हें तो चोरी करने नहीं आए थे वो लोग। क्या लगता है भाई सिंचन तुझे? अरे यार मुझे तो लगता है यार उन्होंने अपना अड्डा बना लिया होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों लगता है तुझे? अरे यार देखो तुम्हारा घर तो यार बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हाँ भाई घर तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो यार सोचो ना इसी बात को यार, बहुत सारे गैंग वाले आते और यार बाद में ऐसे पुरानी पुरानी जगहों पर आकर भाई साहब अपना कब्जा बना लेते। अरे भाई अगर सिंचन ऐसा हुआ हो हमारे घर के ऊपर वो लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे, और यार वो जो हमारी प्रॉपर्टी उसको तो हम लोग बेच भी नहीं पाएंगे। अरे वही तो यार फेंकी भाई, चलो चलो यार जल्दी जाकर देखते। अरे हाँ यार गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब हमें जल्दी जाकर देखना पड़ेगा, पता नहीं यार कौन लोग थे वो लोग। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से चलते अपने गांव। वैसे तो गाइस यार हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की जिसमें कि यार गाइस हम आप सभी लोगों को शाउट आउट देते, तो चलो गाइस हमारे शाउट आउट के नाम चालू करते हैं फटाफट से। तो गाइस यार हमारा पहला शाउट आउट है ऋषभ भाई को, उनका बर्थडे आता है 15 जून को। तो गाइस यार अपना अगला शाउट आउट है अनिरुद्ध कुमार को, इनका बर्थडे आता है 21 जून को। तो गाइस यार अपना अगला शाउट आउट है ओम भाई को, इनका बर्थडे आता है 1 मार्च को। एंड गाइस यार अपना अगला शाउट आउट है पवन भाई को। तो गाइस यार इन सभी को फटाफट से कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे विश कर देना। एंड यार गाइस आपको भी हमारे वीडियो के अंदर ऐसा ही शाउट आउट चाहिए डेली, तो जाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड यार साथ ही साथ भाई साहब कमेंट के अंदर अपना नाम एंड बर्थडे लिखना मत भूलना। तो अभी चलते गाइस फटाफट से अपने गांव और जाकर देखते भाई साहब कौन लोग थे वो लोग। तो चलो गाइस चलते फटाफट से, लेट्स गो। अभी तो लगभग गाइस हम लोग पहुंचने वाले अपने घर। यार ये देखो भाई पहुंच ही गए, अभी यहाँ से बस राइट मारना और यहाँ से बस सीधा जाना है, और जो सामने घर आएगा वही हमारा घर है। और यार गाइस आप सभी लोग हमारे घर को भाई हंसने वाले हो बहुत ज्यादा, क्योंकि यार गाइस वो बहुत ज्यादा पुराना घर है यार। गांव में तो ऐसे घर होते रहते हैं, बट यार एक टाइम पे हमारा घर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अब यार देखो गाइस इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है यार। अरे यार फेंकी भाई ऐसे घर तो यार भूतिया स्टोरी में देखे मैंने तो। अरे भाई सिंचन कैसी बातें कर रहा है, हमारे घर में भाई कोई भूत भूत नहीं है। अरे यार अगर हुआ तो, अरे भाई हुआ तो भाई साहब पीट देंगे साले को। आजा भाई ये देखिए रहा हमारा घर, चलो चलो दिखाओ कैसा है तुम्हारा घर। आजा आजा भाई ये देख भाई सिंचन, हमारा घर कितना भी ज्यादा पुराना होने दे फिर भी यार हमारे घर के अंदर देख भाई कितनी ज्यादा लाइट आती है। अरे वाह यार फेंकी भाई तुमने तो घर को मेंटेन करके रखा है यार, फिर भाई बहुत ज्यादा खर्चा लगा इस घर को मेंटेन करने में। एक सेकंड भाई हमारे घर के अंदर खाना, यार फेंकी भाई ये खाना कौन बना के चला गया यार? वो तो पता नहीं भाई सिंचन मुझे, हमारे घर के अंदर खाना यार, हमारे घर में तो भाई अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता, फिर खाना कौन बना के चला गया यार? मुझे लगता है सच्ची में भूत है यहाँ पे। अबे भाई सिंचन भूत खाना नहीं खाते, भूत इंसानों को खाते है, तो मतलब यार ये किसी इंसान का काम है? अरे हाँ भाई सिंचन कुछ ऐसा ही लगता है मुझे, यहाँ पर कोई है क्या यार? गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर में कोई रह रहा है बिन पूछे हमसे, पर यार वो कौन हो सकता है भाई जो बिना पूछे रह रहा है यहाँ पे? यहाँ पर कोई है क्या भाई? हेलो, अबे यार यहाँ पर भी कोई नहीं है।
और ये बाजू वाले रिम में कोई है क्या भाई? रुको देखने दो मुझे एक सेकंड। भाई यहाँ पर भी बहुत सारी ड्रिंक्स रखी यार, और ये देख भाई यहाँ पे तो भाई पत्ते भी रखे हुए। भाई सिंचन ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में यार? फेंक भी है, मुझे लगता है सच में भूत आ गया यार आपके घर में। अरे नहीं भाई सिंचन ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार वहाँ पर नीचे क्या है यार? अबे भाई सिंचन वहाँ पर नीचे मत जा भाई, मैंने सुना हमारे घर में वहाँ पर बेसमेंट में भाई कोई एक बड़ा सा भूत रहता है, भाई वहाँ पर मत जा तू। तो यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे कि यार इस घर में कोई भूत नहीं रहता? अरे भाई सिंचन तू चुप बैठ यार, भाई मुझे घर की तलाश लेने दे एक सेकंड। भाई यहाँ पर भी कोई नहीं है, और इस वॉशरूम की हालत देखो भाई, दरवाजा किसने तोड़ दिया हमारे घर का? मतलब यार इस वॉशरूम का भाई पता नहीं यार कौन आ गया हमारे घर के अंदर। यार एक सेकंड भाई, कुछ चोरी तो नहीं हुआ हमारे घर में? चलो यार रुको देखने दो, यहाँ पर कुछ है भाई, यहाँ पर भी ड्रिंक्स रखी हुई है। अबे कौन आया था हमारे घर में भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। फेंकी पे मैं बोल रहा हूँ यार, कोई भूत ही होगा। अबे भाई सिंचन ऐसा कोई भूत वूत नहीं होता, ये दरवाजा भी खुला हुआ है यार। गाइस आप देख रहे हो भाई, सारे के सारे रूम खुले हुए, और भाई साहब ये देखो सारे डोर्स अनलॉक है यार। इनको तो मैं जाते वक्त सारे लॉक करके चला गया था यार। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे यार यहाँ पर आना जाना चाहिए हर बार, नहीं तो यार कोई भी आकर यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेगा। और यहाँ पर ऊपर देखते भाई, यहाँ पर कोई है? यहाँ पर भी कोई नहीं है। और ये देखो भाई यहाँ पर गद्दा बिछा रखा है, मतलब यार यहाँ पर वो सोता आकर। साले को छोड़ूंगा नहीं जो कोई भी हमारे घर के अंदर रह रहा है। एंड रुको भाई, यहाँ पर से कोई दिख रहा है क्या? नहीं यार यहाँ पर तो बालकनी में भी कोई नहीं है। अरे यार फेंकी भाई सुनो ना मेरी बात। अबे रुक जाना भाई सिंचन, देखने दे मुझे यार इस बेडरूम की हालत देखो भाई, कितनी ज्यादा खराब करके रखी है। और ये विंडो भी खोल के रखा है भाई, पता नहीं कौन है यार साला हरामी, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। रुको यार गाइस एक काम करूंगा, जाकर उस बेसमेंट में देखूं, क्योंकि यार गाइस मैंने इस पूरे घर को तलाश लिया बट यार मुझे कोई भी नहीं मिला। यार गाइस मुझे अब ऐसा लगता है कि यार भाई साहब उस बेसमेंट के अंदर ही जाकर देखना पड़ेगा मुझे। आ जा भाई सिंचन, तू जो बोल रहा था वो बेसमेंट वहीं पर जाकर देखना पड़ेगा हमें। अगर फेंकी पे वहां पर भूत हुआ तो अबे ऐसा कैसे भूत आएगा वहां पे? तो आ जाना भाई इधर। अच्छा ठीक है चलो चलो। अरे पर यार वो बेसमेंट का रास्ता कहाँ चला गया भाई? मैं खुद भूल गया। रुको यार भाई देखने तो, कहाँ चला गया भाई? एक सेकंड यार, यहाँ से था क्या? रुको अबे यार वो बेसमेंट का रास्ता कहाँ चला गया भाई साहब? मिल नहीं रहा आप तो मुझे यार, ये क्या भुलभुलैया है मेरा घर यार। गाइस 10 साल क्या हो गया भाई साहब, मैंने इस घर को छोड़ दिया भाई, सारे दरवाजे भूल गया मैं। इस तरफ देखता हूँ भाई साहब, यहाँ पर था क्या वो बेसमेंट? नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं है। अबे कहाँ चला गया भाई? अभी तो यहाँ पर था वो बेसमेंट। अबे मैं कहाँ घूम रहा हूँ भाई? अरे यार फेंकी पे कैसे पागलों की तरह घूम रहे हो यार तुम? चलो चलो यार मैं बताता हूँ, यहाँ से बस सीधा चलो किचन में। अच्छा ठीक है भाई बता कहाँ पर है वो बेसमेंट? अरे तुम चलो तो सही किचन में। अच्छा भाई आ गया, अब बता कहाँ पर है? अरे रुको भाई मिल गया मिल गया मिल गया। आजा भाई सिंचन फटाफट से। मिल गया क्या? अरे हाँ भाई मिल गया मिल गया, याद आ गया मुझे। आजा भाई सिंचन फटाफट से। एक सेकंड ये क्या चमक रहा भाई यहाँ पे? अबे वो कौन है सामने? अबे भाई सिंचन जल्दी आ, अबे सिंचन जल्दी आ यहाँ पे, क्या हो गया यार चिल्ला क्यों रहे हो? अबे भाई सिंचन वो देख सामने कौन बैठा हुआ है यार? कौन है यार? पता नहीं भाई सिंचन, वो ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में कोई तो है भाई। यार सिंचन मुझे डर लग रहा है, एक काम करते भाई चल यहाँ से वापस चलते अपने घर। अरे क्या यार फेंकी भाई तुम तो यार कितने बड़े डरपोक हो, एक काम करो यार जाकर उससे पूछ लो ना यार वो रो क्यों रहा है। पर भाई वो कौन है यार, और यार हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है यार, तो जाकर पूछ लो उसको। पर भाई सिंचन मुझे डर लग रहा है यार। अरे यार तुम जाओ ना यार, डर क्यों रहे हो तुम? अच्छा भाई ठीक है आ जा भाई, देखते भाई साहब पता नहीं ये कौन है यार। हेलो भाई तुम कौन हो, और यार हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हो, वो भी यार इस बेसमेंट में बैठ के रो रहे हो? अरे हेलो भाई गुंगा है क्या तू भाई, रो क्यों रहा है? हेलो अबे भाई कुछ बोल दे। अरे यार फेंकी भाई क्या बोला वो? अरे वो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, बस रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है। क्या करूं भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार फेंकी भाई पीछे देखो, पीछे फेंकी भाई पीछे देखो जल्दी से, क्या हो गया भाई सिंचन? अरे यार पीछे तो देखो, क्या हो गया भाई पीछे? एक सेकंड, अबे ये कौन है? अरे यार इसकी शक्ल देखो, अबे यार ये तो कितना ज्यादा डरावना है। अबे भाग भाई सिंचन भाग। एक सेकंड ये सब क्या हो रहा है? लग गई सिंचन, ये क्या हो गया? लग गए यार भाई। अरे यार तुम तो छोड़ो, मुझे देखो मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। लग गई यार मेरे पैरों में, बचाओ कोई। अबे भाई सिंचन तू मुझे बचा भाई, वो आके रूठा मुझे भाई, मेरे पैर में मोच आ गई है। अबे एक सेकंड ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई ये कौन सा धुआं आ रहा है मेरे अंदर से? अरे यार फेंकी भाई ये क्या हो रहा है यार आपके साथ, मुझे बताओ तो सही। अरे मुझे क्या पता भाई सिंचन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, आकर बचा ले यार मुझे। अरे यार हमारे साथ ये क्या हो गया यार? अरे यार फेंकी भाई उठो यार, ये क्या हो रहा है आपके साथ? अरे भाई सिंचन उठ गया यार मैं भाई, बहुत जोर से चोट लगी यार मेरे पीठ में। अरे यार वो सब छोड़ो, पर ये क्या हो रहा है आपके साथ? वो तो पता नहीं भाई सिंचन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो चलो यार एक काम करते फटाफट से यहाँ से भाग चलते यार, पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो गया हमारे घर के अंदर? वो तो मुझे नहीं पता भाई सिंचन क्यों हुआ। छोड़ो छोड़ो यार, चलो चलो निकले यहाँ से, भागो भागो भागो, जल्दी भागना पड़ेगा यार। पता नहीं वो कौन सा भूत था यार, वो कोने में बैठ के रो रहा था। अरे यार फेंकी भाई जल्दी आ जाओ यार बाहर, क्या आपको पकड़ लिया क्या उस भूत ने फिर से? अरे नहीं भाई सिंचन, ये देखिए
रहा मैं, पर भाई ये धुआं रुक क्यों नहीं रहा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो जो कोने में बैठ के रो रहा था, तूने उसको देखा सिंचन कहीं पे? अरे नहीं यार पेंगी पे वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। वैसे छोड़ यार भाई सिंचन, तू आजा फटाफट से भाई, यहाँ से निकलना होगा हमें। पता नहीं यार ये सब क्या हो रहा है, और ये धुआं रुक क्यों नहीं रहा यार मेरे अंदर से, पता नहीं यार भाई, बचाओ कोई मुझे। हेलो भाई यहाँ पर कोई है क्या? अबे यार कल तो कितने पड़ोसी का फोन आया था, आज यार एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अबे हेल्प भाई, कोई है यहाँ पे? बचा लो भाई मुझे। अबे यार कोई नहीं यहाँ पे, एक सेकंड भाई, ये धुआं तो रुक गया। अरे हाँ यार पेंगी पे धुआं तो रुक गया यार, ये तो अच्छा हुआ यार। आजा भाई सिंचन फटाफट से बैठ, यहाँ से निकलना होगा हमें फटाफट से। अरे हाँ यार चलो चलो निकलो फटाफट से। पता नहीं यार कौन सा भूत था वो। अरे हाँ भाई सिंचन तो बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ से फटाफट से निकलना होगा हमें। अरे यार पर हमारे गाड़ी का कलर बदल गया क्या? क्या कैसे बातें कर रहा है भाई सिंचन तू? अरे यार एक बार देखो तो सही। अरे हाँ यार गाइस हमारे गाड़ी का कलर बदला बदला सा लग रहा है यार मुझे। एक सेकंड भाई देखते थोड़ा आगे जाकर, भाई मुझे अपने घर के पास नहीं रुकना। भाई साहब पहले इतनी ज्यादा चोट लग गई मुझे, अब देखते भाई साहब ये सब क्या हो रहा है। अबे एक सेकंड गाइस, ये गाड़ी हमारी गोल्ड की तरह क्यों दिख रही है मुझे? एक सेकंड भाई देखने दो वापस से मुझे। अरे हाँ यार फेंकी पे ऐसा तो लगता है हमारी गाड़ी गोल्ड की बन गई। अरे हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है, रुक जा एक सेकंड भाई, इसको चाट के देखता हूँ। अरे यार गाइस ये क्या भाई साहब, हमारी गाड़ी तो सच्ची में गोल्ड की बन गई यार। फेंकी पे ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो तो मुझे भी नहीं पता भाई सिंचन। आजा आजा बैठ भाई फटाफट से सिंचन, निकलते यहाँ से। भाई साहब अगर हमारी गाड़ी सच्ची में गोल्ड की बन चुकी है तो यार अगर हम लोग इसको बेच देंगे तो यार भाई बहुत सारे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। पर यार ये बनी कैसे गोल्ड की, तुम्हें पता है कुछ? नहीं भाई मुझे तो नहीं पता यार। फेंकी पे मुझे लगता है यार जब तुम इस गाड़ी के अंदर बैठे तब यार हमारी गाड़ी गोल्ड की बन गई। अबे कैसे बातें कर रहा है भाई सिंचन, पागल है क्या तू? अरे यार फेंकी पे मैं सच बोल रहा हूँ यार। गाइस यार आप ही फेंकी भैया को बताओ यार, भाई साहब जब वो गाड़ी के अंदर बैठे हमारी गाड़ी गोल्ड की बन गई थी। ऐसे तो भाई सिंचन मैं हर चीज को गोल्ड का कर सकता हूँ फिर। अरे हाँ यार फिर बिल्कुल, तो रुक जा भाई सिंचन, इस भाई की गाड़ी को टच करके देखते यार। आजा फटाफट से भाई साहब इसकी गाड़ी के अंदर बैठने दे। अरे भाई उतर फटाफट से। हाँ मारो मत यार, मारो मत मुझे, मेरी गाड़ी लौटा दो, भागो 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 जल्दी से, ऐसे भागो। चलो यार ये तो भाग गया, रुको यार भाई अभी देखने दो भाई साहब। अरे हाँ यार गाइस ये गाड़ी भी गोल्ड की बन गई, अबे ऐसे कैसे हो रहा है? अरे यार फेंकी भैया मुझे लगता है ये तुम्हारे पास जादू शक्ति आ गई। पर ऐसे कैसे आ गई भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं यार, मुझे क्या पता, बट आ तो गई होगी यार। तुम्हें तो पता है भाई साहब वो कोने में बैठ के कोई तो रो रहा था। अरे हाँ यार गाइस जब से हम लोग हमारे घर के अंदर गए तब से पता नहीं यार गाइस कुछ कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ। एक काम करते भाई फटाफट से यहाँ से निकलते पहले, एंड यार बाद में घर पर जाकर देखते भाई साहब ये सब क्या हो रहा है यार। पहले तो भाई यहाँ से फटाफट निकलना होगा। और ये देखो यार कितनी जोरों से बारिश हो रही है अपने लॉस सैंटोस के अंदर, इस बारिश को भी आज ही आना था। तो चलो गाइस सिंचन और मैं जब तक हमारे घर जाते तब तक गाइस तुम जाओ फटाफट से इस वीडियो का लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड यार साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि यार गाइस हमारे चैनल के ऊपर डेली ऐसे वीडियोस आते रहते। तो अभी चलते गाइस फटाफट से अपने घर पे, लेट्स गो। लो भाई पहुंच गए फाइनली अपने घर पे, और ये देखो गाइस बारिश भी रुक गई। चलो यार अच्छा हुआ भाई साहब बारिश रुक गई। और अब देखो यार गाइस इस कार को भाई साहब कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो अरे हाँ यार फेंकी पे देखो कैसे चमक रही है, वाह भाई मजा आ गया यार। रुको इन डस्टबिन को टच करूं, कर दिया टच। एक सेकंड गाइस ये देखो ये डस्टबिन तो भाई गोल्ड के अंदर बन गए। अबे यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे यार फेंकी पे मुझे लगता है हमारा नसीब चमक गया यार, अभी तो यार हम लोग बिलियनर बनने वाले हैं। तुझे ऐसा क्यों लगता है भाई सिंचन? देखो ना यार तुम कितना सारा गोल्ड और डायमंड बना पा रहे हो। डायमंड तो मैंने बनाया नहीं अभी तक, तो बना के देखो। अच्छा रुक जा भाई, ये दोनों बेंच भाई फटाफट से डायमंड बन जाए। लो यार बन गया डायमंड भी। अरे हाँ यार गाइस जो कुछ भी मैं बोल रहा भाई साहब वो सारा हो रहा है यार। भाई साहब मैं टच कर रहा हूँ तो गोल्ड बन रहा है, मैं जो बोल के टच करूंगा वो डायमंड बन रहा है। भाई साहब मजा आ रहा है ये तो। अरे यार देखा फेंकी भैया, चलो यार इन सारे गोल्ड और डायमंड को बेच देते। अरे हाँ भाई रुक जा सिंचन, उससे पहले भाई मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया, वो करते हैं सबसे पहले। रुक जा भाई सिंचन, पहले इन सभी चीजों को मुझे टच करने दे और बाद में एक चीज बोलता हूँ यार, फिर मजा आएगा देखना भाई कितना सारा गोल्ड एंड डायमंड आएगा। अब ये आखिरी चीजों को टच करने दे भाई फटाफट से, लेट्स गो भाई ये आखिरी छाता। तो चलो भाई इन सारी चीजों को फटाफट से गोल्ड एंड डायमंड में चेंज कर दो। एक सेकंड गाइस ये देखो भाई साहब कितना सारा गोल्ड डायमंड। यार गाइस मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एक सेकंड अपना सर पटकने दो, ये पटका सर लग गई यार। अब देखने दो भाई ये सच है या सपना। और एक सेकंड गाइस ये तो सच है यार, भाई साहब मजा आ गया यार। भाई सिंचन कितना सारा गोल्ड एंड डायमंड आ गया यार हमारे पास तो। अरे हाँ यार फेंकी भी आप देख रहे यार, हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे, पूरे इस लॉस सेंटर्स को ही खरीद लेंगे। हाँ भाई सिंचन तो बिल्कुल सही बोल रहा है। आजा भाई एक काम करते यार, अपने दोस्त साइमन के पास जाते हैं और यार उसके पास जाकर भाई एक बढ़िया वाली गाड़ी खरीद कर लाते यार। बड़े दिन हो गए यार भाई सिंचन हम लोगों ने एक सुपर कार नहीं खरीदी थी, तो चलो भाई फटाफट से जाते और एक बढ़िया वाली सुपर कार खरीद लाते। अरे हाँ यार मैं तो बोलते लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे। अरे सिंचन जो तू बोले वहां पर चलते तो सही पहले, और वहां पर जाकर देखते भाई उसके पास कौन कौन सी सुपर कार है। तो चलो गाइस चलते फटाफट से अपने दोस्त साइमन के पास, लेट्स गो। चलो 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 यार जल्दी जाना पड़ेगा मुझे साइमन के शोरूम पे, क्योंकि यार गाइस हमें नहीं पता कि यार ये पावर्स हमारे पास कितनी देर के लिए। छोड़ो यार कोई बात नहीं, जब तक है तब तक है। अभी तो भाई साहब हम लोग को बहुत ज्यादा अमीर बनना है, उसके लिए भाई हम लोग जो करना चाहेंगे वो सब करेंगे यार। हेलो भाई साइमन कैसा है तू? अरे फ्रैंकलिन बड़े दिनों बाद आया यार मेरे शोरूम पे, क्या हो गया पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई वो देख गोल्ड की कार लेके आया तुझे दिखाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, गोल्ड की कार कहाँ से चुराई यार तुमने? पर भाई एक सेकंड तू देख तो ले यार पक्का वो गोल्ड की है या फिर नहीं। अरे हाँ यार रुको देखता हूँ। अरे हाँ भाई जल्दी जाकर देख ले भाई, मेरे पास टाइम नहीं है।
है। अरे हाँ यार, देखने दो मुझे एक सेकंड यार। फ्रैंकलिन ने तो सच्ची में गोल्ड की कार यार, इसको तुम कहाँ से लेके आ गए? अरे भाई तुझे क्या करना है, तू मुझे एक बात बता, तू इसको खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? हाँ मैं इसको खरीद लूंगा 1 करोड़ रुपए में। क्या, एक कार के 1 करोड़ रुपए? अरे हाँ फ्रैंकलिन, तुम्हें नहीं पता ये गोल्ड की कार है और ऐसी कार लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा रेयर होती है। अरे वाह भाई, ये तो बढ़िया है यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन, वैसे तुम लाए कहाँ से इसको? अरे छोड़ना वो सब भाई साइमन, तो मेरी बात सुनना। अगर भाई साइमन मैं तेरी इन सारी कार को भाई साहब गोल्ड में चेंज कर दूं तो यार भाई तू क्या करेगा, तू मुझे कितने पैसे देगा? अरे फ्रैंकलिन मैं तुम्हें फिर 100 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्या 100 करोड़ रुपए? क्या 100 करोड़ रुपए? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन सच्ची में दे दूंगा, तुम करो तो सही। अच्छा ठीक है भाई, अभी करता हूँ। चलो चलो गाइस, 100 करोड़ रुपए की बात है। चलो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से अब इन सारी गाड़ियों को भाई टच करके भाई गोल्ड में चेंज करता हूं भाई, मजा आने वाला है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हो गया हो गया हो गया, अब देखना भाई साइमन क्या होता है। 1 2 3 ये ले भाई साइमन, तेरी सारी की सारी गाड़ियां बन गई भाई गोल्ड की। अरे फ्रैंकलिन तुमने कैसे किया यार, मैं पागल हुए जा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई सब कुछ पॉसिबल है, अब तो एक काम कर भाई, फटाफट से निकाल भाई मेरे 100 करोड़ रुपए। भाई मुझे निकलना है यहाँ से। अरे हाँ फ्रैंकलिन रुको, अभी देता हूँ। ये लो फ्रैंकलिन तुम्हारे 100 करोड़ रुपए। अरे वाह भाई साइमन, तूने तो बड़े जल्दी दे दिए यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन सब कुछ अपना जल्दी होता है। अरे हाँ भाई ठीक है सिंचन, ये देख यार भाई साहब कितने सारे पैसे आ गए यार यहाँ पे भाई, 100 करोड़ रुपए। मजा आ गया यार गाइस, मैंने सोच लिया कि भाई साहब इन 100 करोड़ रुपए से भाई साहब मैं 50 करोड़ का बहुत बड़ा मेंशन खरीदूंगा और यार 50 करोड़ की बहुत सारी सुपर कार खरीदूंगा। अरे हाँ यार फैंकी भाई, ये भी बढ़िया प्लान है, तो चल भाई निकलते फटाफट से। और भाई साइमन मैं तेरी एक गाड़ी ले जाना चाहता हूँ, ले जाऊँ? अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल ले जाओ। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। बता भाई सिंचन कौन सी गाड़ी लेके जानी इनमें से? अरे यार मैं तो कहता हूँ रोल्स रॉयस ले चलो। अरे नहीं भाई सिंचन, ये देख यार ये वाली बुगाटी भाई साहब क्या बढ़िया लग रही है। हाँ तो यार इसको ले चलो। अच्छा ठीक है चलो फिर गाइस, ये बुगाटी देखो यार भाई साहब कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार। रुको एक सेकंड, इसका इंटीरियर देखते भाई। एंड गाइस यार इसका इंटीरियर देखो भाई साहब क्या ही बढ़िया है यार, ये बुगाटी एकदम स्पोर्ट्स कार है यार, मजा आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ जा भाई सिंचन बैठ फटाफट से। अरे हाँ यार बैठ गया बैठ गया, पर भाई पैसे कौन लेगा? चलो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से पैसे रखते अपने गाड़ी के ऊपर एंड चलो निकलते यहाँ से फटाफट से, जाकर लेते भाई साहब बहुत बड़ा मेंशन। चलो गाइस आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अब तो यार हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन गए। तो चलो गाइस चलते फटाफट से एक बहुत बड़ा मेंशन खरीदने के लिए। तब तक गाइस तुम जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अभी तो चलते गाइस फटाफट से बहुत बड़ा मेंशन खरीदने के लिए, लेट्स गो। तो गाइस यार ये देखो इस घर को हम लोगों ने फाइनली खरीद लिया है, आ जाओ भाई फटाफट से जाकर देखते हैं। अरे यार चलो चलो यार मुझे भी देखना है, आ जाओ भाई सिंचन फटाफट से। गाइस यार ये घर बहुत ज्यादा बड़ा यार, पूरे लॉस सैंटोस में हमें ये एक ही घर मिला जो यार सबसे ज्यादा बड़ा था। और इस घर के अंदर देखो यार कितने सारे रूम्स है यार, हम लोग यार इसको बाद में किराए पर भी दे सकते हैं। अगर गाइस हमारी पावर चली भी जाती है तो यार हमारे पास पैसों की कमी कभी नहीं होने वाली। और एक चीज मुझे आपको दिखानी, इस घर का स्विमिंग पूल भाई सबसे ज्यादा बड़ा यार, ये देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है हमारे घर का। और भाई तुम लोग निकलो ना यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पर? आ मार क्यों रहे हो भैया? अरे मारो मत जाते हम लोग। चलो भाई निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया यार, हमारे घर के अंदर भाई यहाँ पर स्विमिंग पूल पे बैठे। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं यार, मैं फटाफट से इन सभी लोगों को यहाँ से भगा देता हूँ। तब तक गाइस तुम जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड यार गाइस आप देखना चाहते हो कि भाई साहब मैं इस घर में रखने के लिए कितनी सारी सुपर कार्स लेता हूँ, तो गाइस यार आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो गाइस चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई तो पक्का इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एंड यार गाइस कमेंट के अंदर अपना नाम एंड बर्थ डेट लिखना मत भूलना, क्योंकि यार गाइस आप सभी को शाउट आउट डेली मिलता रहेगा। तो गाइस चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।